कैसे आप? बहुत बढ़िया हूँ। दादा जी आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। आज दोनों की जोड़ी बहुत खूबसूरत लग रही है, नहा धोवा के लग रहा है आपको? एकदम फाइनल नहा धोवा के हुए हैं और गाना जो करना है आज। अच्छा, मतलब इतने सब नहीं नहाते थे? नहीं नहाते थे, नहीं आपकी नज़र में आज पता चला कि आज नहाया है। नहीं वाकई में आप दोनों की जोड़ी बहुत खूबसूरत लग रही है, कोई भी देखेगा किसी खूबसूरत चीज़ की तारीफ करता ही है। कैसे गाना दिया आप बताइए? मैं बहुत अच्छी हूँ। और आप सब कैसे हैं? और जो भी हमको हम लोगों को देख रहे हैं उन सब लोग अच्छे से रहिए, अपने घर पे रहिए और बाहर निकलिए तो, क्योंकि कोविड है तो बाहर निकल तो सेफ्टी से मास्क लगा के निकलिएगा। नहीं मैं तो कहना ये चाहता हूँ कि आज सब लोग के ये संदेश आपके माध्यम से देना हम चाह रहे हैं कि अनाथों के नाथ भोलेनाथ के आज लास्ट शेड्यूल है। इधर शूटिंग भी चल रहा है, उधर डबिंग भी चल रहा है, बहुत फास्ट काम चल रहा है कि जितना जल्दी हो सके पिक्चर फ्लोर पे आ जाए। मुझे लगता है इसकी शूटिंग झारखंड में आप कहीं कर रहे थे? हाँ, काफ़ी शूटिंग झारखंड में और 2 दिन की शूटिंग यहाँ मुंबई में। क्या कुछ संदेश देगी ये फिल्म? ये फिल्म तो सबसे बढ़िया ये बात है कि इसमें सारे मसाले दिए गए हैं, जिसमें धनिया भी है, पाउडर, धनिया पाउडर है ना? हाँ, लाल मिर्ची। हाँ, लाल मिर्ची थोड़ा कम है, कम है। नमक ज़्यादा है? नमक ज़्यादा है नहीं, नमक भी ज़्यादा नहीं, एकदम बराबर है। पारिवारिक है, धार्मिक है और सबसे बड़ी बात है कोविड का भी इसे बात रखा गया है और थोड़ा राजनीतिक भी है। तो ये नहीं लगा पिक्चर देखने के बाद कि ज़बरदस्ती कहीं से कुछ इसमें ठूसा गया है, ज़बरदस्ती इसको एडजस्ट किया गया। पिक्चर देखने के बाद मुझे काफ़ी उम्मीद है इस पिक्चर से, लोगों को पसंद आएगी जितने हमारे भोजपुरी के दर्शक हैं। और ये पिक्चर में खासियत है कि आप पिक्चर अपने पूरे फैमिली के साथ बैठ के देखिएगा तो आप आगे नहीं बढ़ा सकते एक भी सीन को, बैठ के देखिएगा, इतनी बढ़िया पिक्चर है। दादा जी कितनी सच्चाई कर रहे हैं? हाँ 100% पूरी सच्चाई है और बहुत अच्छा मिक्सचर बना है फिल्म का और वाकई देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। छोटो जी के डर के कारण नहीं बोले ऐसा कुछ? नहीं नहीं, हम किसी से नहीं डरते हैं। भैया बच के रहिए, जमाना बड़ा खराब चलता है। ना ही तो जमाना खराब चलता तो आदमी नहीं खराब होके चाहिए, जमाना तो हमेशा चेंज होगा। बहुत दबंग हीरोइन भी है? हाँ। ना ही कोई नहीं, बड़ी अच्छी है काजल जी। अच्छा। और काजल जी की पहली पिक्चर आप देखिएगा, बड़ी अच्छा काम किए हैं काजल जी और शुभकामना करता हूँ कि मेरी पिक्चर हिट हो और काजल जी भी हिट हो, हम लोग सारे कलाकार लोग हिट हो। हमारे विष्णु शंकर बेलू जी जो पिक्चर बनाए हुए हैं वाकई उनमें टैलेंट है, काम करवाते हैं, बहुतों के साथ काम किया लेकिन विष्णु शंकर बेलू जी खास करके काम करवाते हैं तो ये अच्छी लगती हैं। इसलिए इस पिक्चर में बेलू जी काफ़ी हम उससे अच्छे काम करवाए हैं, हम लोग भी कोशिश की है करने के लिए। और आज जो गाना हो रहा है पनामा के पाता, वो बहुत बढ़िया गाना है, अभी जो शूट हो रहा है आप लोग देखेंगे आए हैं। अच्छा, ये कब तक फिल्म आप दर्शक देख सकते हैं? बस अब तो आपको बताया ना कि शूटिंग इधर चल रहा है, हम लोग कल डबिंग कर रहे थे, फिर कल डबिंग करेंगे, लगभग फाइनल है डबिंग, 2-4 दिन का और डबिंग बचा हुआ है, इसके बाद जो भी बचा है जितना जल्दी हो सके लोगों के बीच में ये पिक्चर। और कौन कौन से कलाकार इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं? बहुत लोग जुड़े हुए हैं, कल तो शिवशंकर भोलेनाथ का रोल करके गए, क्या नाम था उनका, विष्णु, हाँ वो पार्वती जी का रोल करके गई, जय सिंह है और बहुत सारे कलाकार इंडस्ट्री के हैं इसमें। हाँ, विनोद मिश्रा जी मेरे पिताजी का रोल किए हैं। तो ये कमबैक के लिए आपकी फिल्म थी? हाँ, जो मानिए कमबैक के लिए है। इसके बाद क्या इंडस्ट्री की और फिल्में आप करेंगे? हाँ एकदम फाइनली दूसरी पिक्चर के मुहूर्त भी होने वाली है बहुत जल्द। अच्छा, कादर जी क्या आप भी दूसरी फिल्में करेंगे सिर्फ एक करके? पता नहीं है, अभी जैसा कुछ अच्छा मिलेगा तो मैं करूँगी, अभी कुछ सोचा नहीं। कादर जी आप बताइए, विष्णु शंकर बेलू जी फर्स्ट टाइम वर्क करके कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और जैसे छोटू जी ने कहा कि बहुत सपोर्टिव हैं और सेट पे तो लगता ही नहीं था कि कोई बहुत बड़े डायरेक्टर से मेरी बात हो रही है, नॉर्मल लगता है घर से किसी से बात हो रही है और बहुत अच्छे से काम उन्होंने करवाया, थोड़ा डांटा भी और समझाया भी और सब अच्छे से करवा लिया। छोटू जी अब बिहार के आरा जिला के रहने वाले हैं और एक कहावत है आरा जी कोना बात के डर बा, सही डर नहीं है ना? नहीं नहीं, देखिए डर और लज्जा तो मनुष्य की आदमी को होना चाहिए, ये दो ऐसी चीज़ है ना जो आपको आगे ले जाएगी। डर और लज्जा खत्म हो जाएगी ना आपके अंदर से तो बहुत कुछ आप ना नहीं कर पाइएगा। तो डर किस चीज़ का डर? मैं गलत नहीं करूं, मैं किसी के साथ गलत नहीं करूं, इसका डर होना चाहिए। छोटू जी अगर आप सिंगर भी हैं तो इस फिल्म में क्या कुछ खास गाने हैं? हाँ गाने तो मैं तो बताया आपको ना, पिक्चर आप बैठ के देखिएगा तो जैसे लोग अभी मैं नहीं कहना चाहता हूँ कि जैसे आगे बढ़ा देते हैं ये ठीक नहीं, लेकिन मैं वादा करता हूँ आपके माध्यम से कि ये पिक्चर अगर लगेगी तो थ्रू आउट पूरे फैमिली के साथ, माता पिता बहन बेटा बेटी सब लोग देखेंगे तो ये लोग नहीं कहेंगे हाँ ये पिक्चर है बनी है, चाहे गाने हो या सीन हो। कादर
काजल जी आप कहाँ के रहने वाली हो, ये फिल्म कैसे मिली आपको? मैं आरा की रहने वाली हूँ। अच्छा, आप भी आरा से? हाँ, प्रॉपर आरा से रहने वाली हूँ। तो इन लोगों ने छोटू जी ने और विष्णु शंकर बेलू सर ने, वो लोग कुछ कॉन्सेप्ट पे बात चल रही थी गाने के बारे में, और फिर मैंने उनसे मिला गाने के वक्त, तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है लड़की, और अच्छा करेगी, एक्ट करेगी। तो फिर छोटू जी ने बोला कि सजेस्ट किया कि क्यों नहीं किसी और के साथ हम लोग कर रहे हैं, तो इसके साथ भी किया जाए। तो ऐसे करके, और फिर वो लोगों ने बोला कि नहीं अच्छा करती है, एल्बम पहले मैं करती थी सॉन्ग वगैरह, तो वो देख के उन्होंने बोला कि नहीं ठीक है, तो ओके हो गया। अब कुछ जानकारी मिली, अब गाना दिखाती हैं? हाँ, आई सिंगर पहले तो गाना ही गाती थी, इनका बहुत सारा गाना है। थी उसी समय उन्होंने देखा विष्णु शंकर बेलू सर ने, तो उन्होंने बोला मतलब कि नया ट्रेंड आने वाला, हीरो लोग जो सिंगर तो हीरो बनना था, हीरोइन जो है सिंगर में हीरोइन नहीं। यहाँ ट्रेंड ऐसा नहीं है कि इससे पहले किसी ने नहीं किया है, बहुत लोग ऐसे हीरोइने हैं जो हीरोइन बन के सिंगर पे आई हैं, और कुछ सिंगर बन के हीरोइन बनी हैं। ऐसा नहीं कि मैं कुछ नया कर रही हूँ, बस हाँ, क्योंकि अगर सिंगर मेल सिंगर जब हीरो बन सकते हैं, तो मेल सिंगर फीमेल सिंगर क्यों नहीं हीरोइन बन सकती? अच्छा जो आप, हाँ अच्छी बात है ये। छोटू जी और बताइए कैसा रहा आपको मुंबई में दो दिन का शूट? हाँ भाई, दो दिन का शूट तो कल शूट चला, मैं उतना हम लोग थे नहीं शूट पे, डबिंग था तो डबिंग में थे हम लोग, और आज का शूट हम लोग का है तो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन बारिश थोड़ी सी परेशान कर रही है, लेकिन फिर भी काम तो करना है। मुंबई काफ़ी टाइम के बाद आने के बाद कैसा लगा लॉकडाउन? नहीं, काफ़ी टाइम के बाद नहीं आया, लॉकडाउन के बाद आया हूँ। हाँ, लॉकडाउन मुंबई रह के क्या कीजिएगा, सारा बंद ही था, तो गांव हम लोग चले गए थे। ये सिनेमा का जो म्यूजिक है वो कौन बनाया है? आर पंकज जी दिए हैं, बड़ी अच्छे राइटर भी हैं, और म्यूजिक डायरेक्टर का इस पिक्चर में वो म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं, और अर्जुन अकेला जी गाने लिखे हैं, और शंभू शरण जी ने, आर आर पंकज जी ने, सब लोग मिलके एक टीम मिलके बहुत गाने की अच्छी तैयारी की है। अभी जो वक्त चल रहा है देवघर के बाबा भोलेनाथ की माया नगरी में, काफ़ी लोग जाने वाले हैं कांवर लेकर के, और मुझे लगता है कोई ना कोई गाना अभी आपका रेडी हो चुका होगा। हाँ 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 हाँ, बस बस बस। अरे जे हमारा भोला जी के नजरी लगाई है, जे हमारा भोला जी के नजरी लगाई है, उनका पे गौरा रानी खिसी आई है, उनका पे गौरा रानी खिसी आई है। जवाब दीजिए मैडम। मैं क्या बोलूँ इस पे, मैं कुछ नहीं बोल सकती। का जवाब है? हाँ नहीं, मैं पार्वती माँ नहीं हूँ, और मैं क्यों मैं सेवक हूँ की, और बस। आपकी भी कोई बाबा से रिलेटेड कोई गाने हैं? बाबा से रिलेटेड बहुत सारे गाने हैं, और पर मैं सुनाऊंगी बहुत पारंपरिक गाना, मुझे अभी वो याद आ रहा है। काले की शिव के मनाए बहु, शिव मानत नाही, काले के शिव के मनाए बहु, शिव मानत नाही, मानत नाही, शिव मानत नाही, कैसे में भंगिया ले आए बहु, शिव मानत नहीं। हर हर महादेव। और भोलेनाथ, तो हम लोग जाते जाते आप लोग सफील कर रहे हैं कि जब ये पिक्चर है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार के साथ देखिए, और हम लोग फिर और परिवार के साथ ही देखिए, बस इसका परिवार नहीं हूँ। नहीं, परिवार का मतलब परिवार होगा, माँ बाप तो होंगे ही ना, बहन होंगी, भाई होगा, नहीं सब लोग देखे, अच्छी पिक्चर है। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.